वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक हेल्प एंड टिप्स। तो आज बात करोगे, आप चाहते हो कि जिस रिलेशन में आप हो, जिस बंदी या बंदे के साथ आप चाहते हो कि आपसे बहुत प्यार करे, आपके बिना रह नहीं पाए, तो ये पांच क्वालिटी आपको आपके अंदर डालनी है कि पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो पांच ही स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले चीज है कि आप पर्सन से तो बहुत प्यार करते हैं, हम रिलेशन में क्या करते हैं, जिस बंदे के साथ रिलेशन में रहते हैं हम क्या करते हैं, उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। उस चीज में हम क्या करते हैं, हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। तो सबसे गलत चीज है कि आप जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे तो पर्सन आपसे कैसे प्यार करेगा। तो एक बात याद रखना कि जितना आप खुद से प्यार करोगे ना, पार्टनर भी आपसे प्यार करेगा। हम क्या करते हैं, खुद को तो देखते नहीं है, उस पार्टनर के पीछे लगे पड़े रह जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, जितना हो सके सबसे ज्यादा खुद को इंपॉर्टेंट हो, पहले खुद से प्यार करो, खुद को अच्छे से सजाओ, खुद को अच्छे से रखो। जब आप खुद को अच्छे से रखोगे ना, पार्टनर खुद आपसे बहुत प्यार करेगा। बट हम क्या करते हैं, नहीं उसको दिखाते कि नहीं भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इस चीज की वजह से हम क्या करते हैं कि सामने वाले पर्सन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, और फिर पागलपन की वजह से क्या होता है, पर्सन आपको कम वैल्यू देने लगता है, कम प्यार देने लगता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब सेकेंड चीज है कि आप इंडिपेंडेंट कैसे रहते हो। हम क्या करते हैं, रिलेशन में पागल हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता, ना दोस्ती, ना फ्रेंड, ना फैमिली, ना स्टडी, कुछ नहीं, ना जॉब, कुछ नहीं दिखता। हम क्या करते हैं, रिलेशन में पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं कि नहीं उस बंदी या बंदे के बिना हम रह नहीं पाते। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा फ्री रहना है आपको, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना है, कि नहीं किसी रिलेशन में रहना, आपको थोड़ा सा रिलेशन से थोड़ा दूर भी होना है। उसको ऐसा जताना है कि नहीं मुझे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगते। उस चीज़ से क्या होता है, आपको लगता है ना कि आप इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत प्यार मिलेगा, तो एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगा। और आप चाहते हो कि पर्सन आपको कंटिन्यूसली प्यार करे, लाइफ टाइम प्यार करे, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट खुद भी रहो, इंडिपेंडेंस और उसको भी रहने दो। ज़्यादा उसको पकड़ के मत रखो, खुद को भी मत रखो उस रिलेशन में। थोड़ा सा खुद को अपने लाइफ में भी ध्यान दो, अपने स्टडी, फैमिली, जॉब पे भी ध्यान दो। इससे क्या होगा पता है क्या, दोनों चीज़ का मेंटेन बराबर होगा। अब थर्ड चीज़ है कि आप कितने लॉयल हो। ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन। तो आप जितना चाहे उतना ऑनेस्ट रहो अपने रिलेशन में इन पार्टनर के साथ। उससे क्या होगा पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ पूरे तरीके से लॉयल हो, पार्टनर भी आपके साथ 101% लॉयल ही रहेगा। क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, और पार्टनर आपके साथ रिलेशन में ऑनेस्ट नहीं भी रहता तो क्या होता है पता, आपको जल्दी पता तो चल जाता है कि पार्टनर आपके लायक नहीं था। तो रिलेशन में कभी भी क्या करना है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना, बहुत ज़्यादा लॉयल रहना इन पार्टनर के सामने, कि उसके सामने जो भी चीज़ें सामने रख देना कि ऐसा है, ऐसा है, जो भी चीज़ हो उसके सामने रखना। क्योंकि कभी कोई चीज़ छुपाना मत, क्योंकि ना हम छोटी छोटी चीज़ें छुपाने की वजह से क्या होता है, रिलेशन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ पे ज़्यादा करके ध्यान देना। अब फोर्थ चीज़ मैं बोलूँगा कि क्या होता है रिलेशन में, आप चाहते हो कि पार्टनर आपको ना कहाँ भी कोई भी चीज़ों में आपको साथ दे, आपको साथ ना छोड़े, तो कभी भी आपको पार्टनर के साथ में उसका हाथ पकड़ के चलना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप कैसे हैंडल करते हो। क्या होता है रिलेशन कि हम पार्टनर का साथ छोड़ देते हैं, कोई कोई चीज़ में हम उसको हेल्प नहीं कर पाते। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए रिलेशन। पार्टनर को ऐसा लगना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो आप इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली हेल्प कर सकते हो। उससे क्या होगा कि पार्टनर आपके पीछे डिपेंडेबल रहेगा, आपसे डिपेंड रहेगा कि कोई भी चीज़ों पर ये मुझे हेल्प कर सकता है, इसका सॉल्यूशन बता सकता है। ऐसा क्यों होता है कि जब वैसे इतने एबल हो जाओगे ना, तो पार्टनर आपसे दूर जाने के लिए भी बहुत बार सोचेगा। अब पांचवी चीज़ है कि आप पार्टनर को टाइम कितना देते हो, लिमिटेड देते हो या अनलिमिटेड देते हो। ये बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशन कि हम क्या करते हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हैं। बट इन रिलेशन हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके एक लिमिटेड करता है, बट हम क्या करते हैं, लिमिटेड से ज़्यादा बातें करने लगते हैं। उस चीज़ों की क्या होता है पता है, कि आपने थोड़े थोड़े दिनों के बाद ना, वो जो आपकी एक वैल्यू होती है ना, वो हम खुद ही गिरा देते हैं। क्या होता है उस इंपॉर्टेंस क्या होता है, जो आपका एक वैल्यू बना होता है, बात करने का तरीका होता है, इंसान क्या होता है आपसे फ्री हो जाता है। उस फ्री के चक्कर में क्या होता है पता है, रिलेशन में पार्टनर कुछ हद से ज़्यादा बात करने लगता है, जो चीज़ आपको हर्ट होगी। तो वो लिमिट को क्रॉस होने ही नहीं देना हमें, उस लिमिट को एक रिलेशन में मेंटेन करना है कि आपको इतना लिमिट तक ही बात करना है, इतने तरीके से हर एक चीज़ करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन। अब पांचवी चीज़ है कि आप रिलेशन को चाहते हो कि स्ट्रांग रहो ना, तो सबसे चीज़ है ना कि खुद को ध्यान दो, खुद के लाइफ में ध्यान दो। जब आप एबल होगे ना, तो कोई पर्सन आपको छोड़ के जा नहीं सकता, और आप एबल हो तो। क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए कि उसके पास जो भी हो बहुत अच्छा हो। तो आप भी चाहते हो कि आपके साथ कोई अच्छा हो, जिसके साथ आप लाइफ टाइम स्पेंड करो, सब सामने वाले पर्सन को भी ये रहता है। तो जो भी हो, बट अपनी लाइफ में इतना ध्यान दो, खुद को इतना एबल करो कि पार्टनर 10 बार सोचे। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।